2007-2008 फाइनेंशियल क्राइसिस की मेमोरी अभी तक हमारे मन में फ्रेश है। सबको याद ही होगा तब लेमन ब्रदर्स, जो यूएस की फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक थी, उसने कोलैप्स होकर बैंकरप्सी फाइल की थी। और अब लगभग 14 साल बाद दुनिया के दो बड़े बैंक्स, क्रेडिट स्वीस और डॉयचे बैंक, फिर से एक सिमिलर सिचुएशन में खड़े नजर आ रहे हैं। क्रेडिट स्वीस एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है और ये स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े बैंक्स में से एक है। क्रेडिट स्वीस स्विट्जरलैंड के SIX स्विस एक्सचेंज और अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। बात करें डॉयचे बैंक की तो ये जर्मनी का सबसे बड़ा बैंक है। ये पूरे वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डॉयचे बैंक जर्मनी के फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज और यूएस के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे लिस्टेड है। इन दोनों ही यूरोपियन बैंकिंग जायंट्स को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को मॉनिटर करने वाली इंटरनेशनल बॉडी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड द्वारा सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि SIFI कंसिडर किए जाते हैं। सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका फेलियर एक फाइनेंशियल क्राइसिस को ट्रिगर कर सकते हैं। इसलिए इन बैंक्स को फेलियर से प्रोटेक्ट करना या फिर फेलियर के केस में एटलीस्ट उसके इफेक्ट्स को लिमिट करना बहुत क्रिटिकल हो जाता है। तभी ऐसे इंस्टीट्यूशंस को टू बिग टू फेल भी माना जाता है। क्रेडिट स्वीस फिलहाल 0.23x के प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रही है और डॉयचे बैंक 0.3x पर। और दोस्तों, ये बहुत ही स्ट्रेस्ड वैल्यूएशंस हैं किसी भी बैंक के लिए, स्पेशली यूरोपियन बैंक्स के लिए। लेकिन आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चलिए जल्दी से प्राइस टू बुक यानी कि पीबी रेशियो की सिग्निफिकेंस को समझ लेते हैं। हाइपोथेटिकली अज्यूम करिए कि आज एक कंपनी लिक्विडेट होने वाली है, तो अगर कंपनी अपने सारे एसेट्स को बेच दे और अपनी सारी लाइबिलिटीज को रीपे कर दे तो लास्ट में जो वैल्यू बचेगी उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं। और जब इसको हम टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करते हैं तो हमें बुक वैल्यू पर शेयर मिलता है। और फिर प्राइस टू बुक रेशियो यानी कि पीबी रेशियो निकालने के लिए हम कंपनी के करंट मार्केट प्राइस को उसके बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करते हैं। पीबी रेशियो से हमें ये पता लगता है कि कंपनी का मार्केट प्राइस उसकी बुक वैल्यू के कंपैरिजन में कितना कम या ज्यादा है। ये एक इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन मेट्रिक है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, स्पेशली इन केस ऑफ बैंक्स एंड NBFCs। ज्यादातर एनालिस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वैल्यू करने के लिए पीबी रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बैंक्स अपने फंड्स या एसेट्स को कितना अच्छे से यूटिलाइज करते हैं वही उनकी सक्सेस और ग्रोथ को ड्राइव करता है। वैसे तो लो पीबी रेशियो किसी भी स्टॉक के अंडर वैल्यूड होने का इंडिकेशन है, लेकिन एक लो पीबी रेशियो का ये मतलब भी हो सकता है कि कंपनी अपने एसेट्स पे बहुत कम या शायद नेगेटिव रिटर्न्स कमा रही हो। चलिए अब स्टोरी पे वापस आते हैं। लो प्राइस टू बुक वैल्यूएशंस के साथ साथ इन बैंक्स के क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप स्प्रेड्स भी उन लेवल्स को अप्रोच कर रहे हैं जो हमने फेल्ड बैंक्स जैसे कि लेमन ब्रदर्स की 2008 में देखे थे। ये क्या होता है और इसका क्या मतलब है, इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। मगर इससे पहले आप पैनिक बटन प्रेस करके कोई डिसीजन लें, चलिए इस पूरे मुद्दे को डिटेल में समझते हैं और क्या इसका इम्पैक्ट ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स पे भी पड़ेगा और क्या हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स भी इससे अफेक्ट होंगे। आइए शुरुआत करते हैं स्टोरी के बैकग्राउंड से। वर्ल्ड इकोनॉमी एक रफ पैच से गुजर रही है। गैस प्राइसेस रिकॉर्ड हाईस पर पहुंच चुके हैं। लगभग 40 कंट्रीज में इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाईस पर है। सप्लाई चेन्स डिस्ट्रप्ट हो चुकी हैं। ग्लोबल स्टॉक मार्केट सिग्निफिकेंटली करेक्ट हो चुके हैं। वेस्टर्न कंट्रीज और रशिया के बीच टेंशन डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक इशूज के बीच क्रेडिट स्वीस और डॉयचे बैंक, यूरोप के दो लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक, डिस्ट्रेस वैल्यूएशन के कारण न्यूज में है। पहले बात करते हैं क्रेडिट स्वीस की। एक साल पहले तक क्रेडिट स्वीस का मार्केट कैप $22.3 बिलियन था और आज वो आंकड़ा $10.4 बिलियन तक गिर चुका है। 2022 में 59% मार्केट कैप इरोजन के साथ साथ बैंक के क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स यानी कि CDS कॉस्ट भी 2008 के बाद से अपने हाईएस्ट लेवल्स हिट कर चुके हैं। सिंपल टर्म्स में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एक टाइप का इंश्योरेंस है जो किसी पार्टी को अपने बोरोअर्स के पेमेंट डिफॉल्ट से प्रोटेक्ट करता है और जो पार्टी इस प्रोटेक्शन को परचेज करती है उसे रेगुलरली प्रीमियम पे करना पड़ता है जस्ट लाइक इंश्योरेंस। और जब CDS स्प्रेड्स या फिर सिंपल भाषा में CDS के प्रीमियम्स इंक्रीज होने लग जाते हैं तो जनरली ये माना जाता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स उस कंपनी के डिफॉल्ट होने पर बेट कर रहे हैं यानी कि उस कंपनी के डिफॉल्ट करने के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं।
एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भले ही क्रेडिट स्क्वीज़ के सीरियस कॉस्ट राइज होने में ब्रॉडर मार्केट में चल रहे सेल ऑफ और स्पेक्युलेशन का भी रोल है, लेकिन ये बैंक की क्रेडिट वर्थनेस पर सवाल जरूर उठा रहा है। लेकिन इतने बड़े बैंक की ये सिचुएशन आई कैसे, चलिए जानते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, क्रेडिट स्विस स्विट्जरलैंड की दो सबसे बड़ी बैंक्स में से एक है, जो अपने कस्टमर्स को ट्रेडिशनल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। लेकिन ग्लोबली ये फर्म अपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्टिविटीज, ट्रेडिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन, डील्स, बॉन्ड सिक्योरिटीज और वेल्थ मैनेजमेंट ऑपरेशंस के लिए जानी जाती है। एक तरफ जहां इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्टिविटीज बैंक के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, वहीं इन्हीं की वजह से पिछले कुछ सालों में बैंक कई स्कैंडल्स के बीच पाया गया है। 2021 में बैक टू बैक दो स्कैंडल्स ने क्रेडिट स्विस को ऑलमोस्ट $15 बिलियन का नुकसान तो करवाया ही, साथ ही साथ उन्होंने बैंक के रिस्क मैनेजमेंट में खामियां भी सामने लाई। ग्रीनसिल और आर्किकॉस कैपिटल मैनेजमेंट के स्कैंडल्स हमें बताते हैं कि बैंक ने रिस्क मैनेजमेंट को सीरियसली नहीं लिया था। अब बात करते हैं डॉयचे बैंक की। जर्मन बेस्ड डॉयचे बैंक ने 2015 में हैवी रेवेन्यू लॉसेस रिपोर्ट किए थे, जिसके चलते उनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने एक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान अनाउंस किया। उस फाइनेंशियल ईयर में बैंक द्वारा डिविडेंड्स को सस्पेंड किया गया था और हैवी जॉब कट्स भी हुए थे। फिर 2016 में यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट ने डॉयचे बैंक पर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में उसके रोल के चलते $14 बिलियन का फाइन इम्पोज किया। तो उनके इन्वेस्टर्स पैनिक कर गए ये सोचते हुए कि डॉयचे बैंक इतना हैवी फाइन पे कर पाएगा या नहीं। तभी से बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ और स्टॉक मूवमेंट म्यूटेड रहे हैं। आज भी डॉयचे बैंक के शेयर्स और वैल्यूएशंस काफी डिस्ट्रेस्ड हैं और अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को और भी अफेक्ट किया करंट मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस ने, जिनका इम्पैक्ट यूरोपियन कंट्रीज में कहीं ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऑफ लेट डॉयचे बैंक के बैंकरप्सी के बारे में स्पेक्युलेशंस काफी इंटेंसिफाई हो गए हैं, और पूरी दुनिया में राइजिंग इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स के चलते भी इस बैंक का बिजनेस अफेक्ट हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, चलिए समझते हैं। यूएस सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बड़ी अग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है। ना सिर्फ यूएस फेड बल्कि ग्लोबली सभी सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं, और इसका सीधा इम्पैक्ट हम गिरते हुए स्टॉक और बॉन्ड मार्केट में देख सकते हैं। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से इन्फ्लेशन तो शायद कंट्रोल में आ जाए, लेकिन उससे इकोनॉमी की GDP ग्रोथ नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर सेंट्रल बैंक्स ऐसे ही इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते गए तो रिसेशन के चांसेस काफी बढ़ सकते हैं। बेसिकली अब हो ये रहा है कि जैसे जैसे सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं, बॉन्ड इन्वेस्टर्स को नए बॉन्ड्स पर हायर यील्ड मिल रही है एज कम्पेयर टू पहले इशू किए हुए बॉन्ड्स पर। इसलिए पुराने बॉन्ड्स पे लोअर इंटरेस्ट मिलने की वजह से उनकी डिमांड कम हो जाती है और वो लेस अट्रैक्टिव हो जाते हैं, और इसी वजह से ऐसे बॉन्ड्स डिस्काउंटेड प्राइस पर सेल होते हैं। इसलिए ग्लोबली बॉन्ड मार्केट्स में काफी ड्रॉडाउन चल रहा है। बॉन्ड यील्ड्स को सिंपली समझें तो बॉन्ड पे मिलने वाला एनुअल इंटरेस्ट रेट, इसे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग टू एन इश्यूअर के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली किसी भी बॉन्ड को होल्ड करने पर परसेंटेज टर्म्स में मिलने वाला रिटर्न होता है, और जैसे कि आप देख सकते हैं बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स हाइक होंगे बॉन्ड यील्ड्स राइज होंगे, लेकिन उसके चलते पहले इशू किए हुए बॉन्ड्स के प्राइसेस नीचे जाएंगे। यानी कि एक तरफ बॉन्ड प्राइसेस कम हो रहे हैं और दूसरी तरफ रेट हाइक्स के चलते बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी बढ़ती जा रही है। और ये सब काफी नहीं था कि रिसेंटली यूके के फाइनेंस मिनिस्टर ने वहां टैक्स कट्स प्रपोज किए, जिसको फाइनेंस करने के लिए उन्होंने बॉन्ड्स इशू किए, लेकिन बॉन्ड प्राइसेस में चल रही वोलेटिलिटी के चलते इन बॉन्ड्स के लिए इनफ बायर्स नहीं थे, और इस नेगेटिव न्यूज के चलते यूके की बॉन्ड मार्केट फर्दर क्रैश करने लग गई, जिस वजह से यूके और यूरोपियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान भुगतना पड़ा। इनमें यूके के पेंशन फंड्स भी इंक्लूडेड हैं। ऐसे में जिसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पेंशन फंड्स को इरोड होने से बचाने के लिए यूके गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बाय करने का डिसीजन लिया, लेकिन बॉन्ड मार्केट्स में इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी के चलते मार्केट पार्टिसिपेंट्स में फियर का माहौल बन चुका है। उन्हें लग रहा है कि अगर पेंशन फंड्स भी सेफ नहीं रहे तो क्या इन्वेस्टमेंट बैंक सेफ रहेंगे, और ऐसे में पिछले कुछ दिनों से ऑलरेडी डिस्ट्रेस क्रेडिट स्विस और डॉयचे बैंक की बैंकरप्सी को लेकर सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पे काफी स्पेकुलेशंस चल रहे हैं। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर क्रेडिट स्विस, डॉयचे बैंक एंड द
ग्लोबल मार्केट्स। जैसा कि हमने डिस्कस किया, इकोनॉमिक स्लोडाउन ने जरूर कहीं ना कहीं क्रेडिट स्विस और डॉयचे बैंक की एसेट क्वालिटी पर भारी प्रेशर डाला है और ये उनकी ऑलरेडी बनी हुई नाजुक सिचुएशन के लिए एक ब्रेकिंग पॉइंट साबित हो रहा है। दोनों ही बैंक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, इस केस में ये बैंक्स फेल होते हैं तो इसका इम्पैक्ट रिस्पेक्टिव नेशनल इकोनॉमीज और शायद ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स पर भी पड़ सकता है। इसलिए दोनों ही बैंक्स पिछले कुछ समय से अपने आप को इस फाइनेंशियल मैस से निकालने के लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स उठा रहे हैं। बैंक्रप्सी अवॉइड करने के लिए क्रेडिट स्विस ने प्रॉमिस किया है कि वो 27th ऑफ अक्टूबर को एक स्ट्रेटेजिक प्लान प्रेजेंट करेंगे और कहा जा रहा है कि वो उनके ब्लैक शीप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन को स्पिन ऑफ करने का डिसीजन अनाउंस कर सकते हैं। स्पिन ऑफ का मतलब होता है डाइवेस्टमेंट करना, जहां कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी को बेचकर उसे एक नई इंडिपेंडेंट कंपनी बनाती है। एनालिस्ट का ये मानना है कि क्रेडिट स्विस के रीसेंट अर्निंग्स कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करते हैं और तो और बैंक के मैनेजमेंट की फ्यूचर परफॉर्मेंस की गाइडलाइंस और आउटलुक भी सही साबित नहीं हुए हैं, बल्कि उनका परफॉर्मेंस उनकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही ऑपोजिट पैन आउट हुआ है। क्रेडिट स्विस को आर्किगॉस कैपिटल और ग्रीन सेल की वजह से फाइनेंशियल लॉस के साथ साथ रेपुटेशन लॉस का भी सामना करना पड़ा है। बैंक के मैनेजमेंट के संडे के दिए हुए स्ट्रॉन्ग रिश्योरेंसेस के बावजूद भी मंडे को अर्ली मॉर्निंग ट्रेड में बैंक के स्टॉक प्राइसेस स्पेकुलेशन की वजह से 10% तक गिर गए थे। हालांकि ट्रेडिंग विंडो बंद होने तक शेयर्स ने फिर से 9% रिकवरी कर ली थी। क्रेडिट स्विस के CEO अल्ब्रिच कोर्नर ने अपने बैंक के फाइनेंशियल हेल्थ और ब्राइट फ्यूचर के बारे में लगातार रीअश्योरिंग स्टेटमेंट्स इशू करे हैं, लेकिन दुनिया की नजर 27th ऑफ अक्टूबर 2022 को रिलीज होने वाले क्रेडिट स्विस के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान्स पर है। तब तक CEO से आई हुई इन्फॉर्मेशन और ऑनलाइन स्पेकुलेशन के बीच ये बैटल कंटिन्यूड रह सकता है। और बात करें डॉयचे बैंक की, तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद बैंक के करंट CEO मिस्टर क्रिश्चियन सोइंग ने डॉयचे बैंक के शिप को स्टेबलाइज कर लिया है। बैंक की मैनेजमेंट टीम ने टिपिकल जर्मन एफिशिएंसी से कॉस्ट कटिंग प्रोग्राम डिलीवर किया है। डॉयचे बैंक की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आर्म भी सस्टेनेबली ग्रो करती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ उन्होंने ट्रेडिंग बिजनेस में से कम्प्लीटली एग्जिट ले लिया था, जिसकी वजह से वो कई रिस्क को साइड स्टेप कर पाए, अनलाइक क्रेडिट स्विस। ओवरऑल इस अनसर्टन और डिफिकल्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में भी डॉयचे बैंक के फाइनेंशियल्स काफी हद तक इम्प्रूव हुए हैं। मोरओवर उनकी क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल सुपर कंजर्वेटिव है, जो डीप रिसेशन सिनेरियो में उनको स्टेबिलिटी दे सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैंक की लोन बुक कंपोजिशन में सबसे बड़ा हिस्सा जर्मन मॉर्गेजेस का है। सुपरफिशियली एटलीस्ट डॉयचे बैंक रिलेटिवली वेल प्लेस्ड है और उसका लो रिस्क बिजनेस मॉडल उसे पोटेंशियल क्राइसिस को डाइवर्ट करने में मदद करेगा, जो शायद क्रेडिट स्विस के लिए मुश्किल हो। और रिसेंटली ही यूके गवर्नमेंट ने यू टर्न लेते हुए अपने टैक्स कट्स के प्लान्स को साइड पर रख दिया है और ये स्टेप ने शायद पोटेंशियली फाइनेंशियल क्राइसिस को ट्रिगर करने से रोक लिया हो। मगर क्या इन सभी का इंडियन मार्केट्स पे असर पड़ेगा, आइए डिस्कस करते हैं। कई लोग क्रेडिट स्विस और डॉयचे बैंक के इस सिनेरियो को 2008 लेमन क्राइसिस से कंपेयर कर रहे हैं। मार्केट में फियर है कि ये दोनों ही सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स अगर फेल होते हैं तो ये ग्लोबल रिसेशन को ट्रिगर कर सकता है। और इंडियन मार्केट के एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि मार्केट आगे जाके कैसे बिहेव करेंगे, लेकिन इस फाइनेंशियल क्राइसिस 2.0 का इंपैक्ट इंडिया पर जरूर आएगा, भले वो आज बेटर पोजिशन में क्यों ना हो। फंड मैनेजर्स ने इंडियन इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को और रिटेल इन्वेस्टर्स को आने वाली वोलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर्ड रहने को बोला है, क्योंकि वोलेटाइल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस के दौरान FIIs का इनफ्लो ड्राई हो सकता है, जो हमारे मार्केट्स को शॉर्ट टर्म में अफेक्ट कर सकता है। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि 2008 के कंपैरिजन में आज हमारे बैंक्स काफी अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ रखते हैं। अगर हमें इन फंड मैनेजर्स के व्यूज को सम अप करना हो तो हम ये जरूर कहेंगे कि क्रेडिट स्विस और डॉयचे बैंक की ये सिचुएशन गंभीर है, लेकिन क्या ये फुल ब्लोन क्राइसिस में कन्वर्ट होगी, इस पे कमेंट कर पाना अभी मुश्किल है। हिस्ट्री हमें बताती है कि मार्केट्स को प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल, और ये सेम वर्ड्स हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी एको कर रही है। ग्लोबल इकोनॉमी इज इन द आई ऑफ अ न्यू स्टॉर्म, ये थे हमारे RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास के वर्ड्स UK और यूरोप में चलते इन हालातों को नजर में रखते हुए। लेकिन शक्तिकांत दास ने मार्केट्स को कॉन्फिडेंस देते हुए ये भी कहा कि RBI सभी मेजर्स लेगा ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के नेगेटिव इफेक्ट्स को इंडियन मार्केट्स तक पहुंचने से रोकने के लिए। तो आज के लिए
लिए बस इतना ही। क्रेडिट स्वीस और डॉयचे बैंक की प्रॉब्लम्स डीप जरूर हैं, लेकिन इस स्टेज पर लेमन ब्रदर्स के साथ कंपैरिजन कुछ हद तक ओवर ड्रामेटिक लग सकता है। ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या ये बैंक्स अपने टू बिग टू फेल टैग को जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं। आपके इस पूरे सिचुएशन को लेके क्या थॉट्स हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए।